हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। पिछली क्लास में अपन ने आईपीसी कर लिया था, जो आईपीसी टॉपिक है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन देखेंगे आइसोमेरिज्म, हिंदी में बोलते हैं इसको समायोता। क्या बोलते हैं? समायोता बोलते हैं। ये टॉपिक आज अपन देखेंगे, देखो ध्यान से किसकी बात करते हैं, क्या है ये समायोता, ठीक है? किसकी बात करते हैं? समायोता की बात करते हैं। समायोता क्या होती है, ठीक है? देखो ध्यान से समायोता क्या होती है। जैसे ये कोई कंपाउंड है C5H12, ये कोई कंपाउंड है C5H12। अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं, देखना ध्यान से, CH3, इसको कितने तरीके से अपन बना सकते हैं। पहला ये 1, 2, दूसरा 2 ये, ठीक है, तीसरा, थर्ड की अपन बात करें, थर्ड कौन सा, देखना ध्यान से, थर्ड यहां पे लिख दूं CH3। अब ये देखो, अपन ने इसको क्या है, C5H12 को तीन तरीके से बना लिया। कितने तरीके से बना लिया? तीन तरीके से बना लिया इसको, ठीक है। तो अब देखो इनमें क्या है, सब में 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 12 हाइड्रोजन है, 3, 2, 5, ठीक है, 10, 2, 12। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, ओके, 5, ठीक है, कितने हो गए ये, यहाँ पे CH3, ठीक है, 3, 3, 6, 4, 3, 9, 10, 2, 12, ओके। इसमें भी सेम का सेम ऐसे है, 6 हाइड्रोजन, 6, 6, 12, कार्बन 5 है ही। मतलब इनका सबका क्या है, अणुसूत्र वो तो क्या समान है, या फिर मैं ऐसे बोलूं इनका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इनकी संरचना वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, समायोता। क्या कहलाता है? समायोता। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अपने को पढ़नी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजक यौगिकों में अपने को समावयवता पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से, उपसहसंयोजक यौगिकों में कैसे क्या होगा। अगर मैं उपसहसंयोजक यौगिकों में आइसोमर की बात करूं, आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट, पहला स्ट्रक्चरल, हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक, ठीक है। दूसरा है स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या हो गया, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिविम्य समावयवता, ओके। अब देखो इसके टाइप, देखो पहले इनका क्लासिफिकेशन ध्यान से देख लेते हैं, इनका वर्गीकरण, ठीक है, ये ध्यान से देख लेते हैं, फिर इनको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। वर्गीकरण में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल संरचनात्मक के अंदर देखें तो इसमें कितने प्रकार हैं, देखना ध्यान से। पहले बात करें, पहले है
आयनन समायोजता, आयोनाइजेशन। फर्स्ट क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट कौन सा हो गया? आयोनाइजेशन आयनन समायोजता। सेकंड है अपने पास हाइड्रेट। या फिर इसको बोलते हैं सॉल्वेट, ठीक है। ये हाइड्रेट, हाइड्रेट ही है हिंदी में भी। थर्ड है अपने पास, फर्स्ट क्या हो गया? आयनाइजेशन। सेकंड है हाइड्रेट। थर्ड है अपने पास, थर्ड आइसोमर की बात करें, लिंकेज। और फोर्थ की बात करें, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन। हिंदी में उपसहसंयोजक समायोजता। लिंकेज का मतलब क्या होता है, ठीक है? लिंकेज का मतलब बंधन, ओके। चार एनसीईआरटी में तो अपने कितने प्रकार हैं? चार ही प्रकार हैं, लेकिन ये वैसे छह होते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन लास्ट कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। इसका एनसीईआरटी के अंदर चार ही है, इसके अंदर पांचवा देखना ध्यान से, लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म, हिंदी में बोला जाता है बच्चों इसको उप, ये तो लिगेंड समायोजता हो गई, ये है उपसहसंयोजक स्थिति समायोजता, ठीक है। त्रिविमीय समायोजता है वो, फिर उसके टू टाइप होते हैं, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट अपन बात करें ज्यामिति समायोजता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके। सेकंड है अपने पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक, या फिर इसको बोला जाता है ध्रुवण समायोजता बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? प्रकाशिक या फिर ध्रुवण समायोजता बोला जाता है। अब देखो पढ़ते हैं अपन इनको डिटेल से। पहले बात करते हैं किसकी? संरचनात्मक की। फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी? संरचनात्मक की, ठीक। इसमें क्या होगा ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल जो फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, क्या है? अणुसूत्र समान, लेकिन अलग अलग क्या होगी? संरचना, स्ट्रक्चर क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। अपने को ये पढ़नी है आयनन समायोजता, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये देखेंगे आज चारों, तो देखो स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनकी बात करते हैं। पहले देखते हैं आयनन समायोजता, आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इसमें क्या होगा देखना, आयनन समायोजता की बात करूं मैं अगर, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा सेम, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलते हैं अणुसूत्र, वो क्या रहेगा? समान, लेकिन डिफरेंट क्या चीज होगी, मतलब भिन्न क्या चीज होगी? डिफरेंट इसमें क्या होंगे? आयन होंगे, डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन, इन सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन ले लो, ओके, क्या ले लेते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ले लो, मतलब इनमें अणुसूत्र तो समान रहेगा लेकिन
जो आयन है वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, क्या होंगे, ठीक है, लिख लेना ये। अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान लेकिन आयन क्या होंगे, अलग अलग, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, देखना ध्यान से, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसके, आयन समावयता में, आयनाइजेशन आइसोमर में एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखना CONS3 5 BrSO4, ये अपन ने एक कॉम्प्लेक्स लिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सेकंड CONS3 5 SO4 और यहाँ पे क्या ले लिया, Br ले लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, अगर इनको क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, तो देखना ध्यान से, इनका क्या बनाएंगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, तो जैसे ही इसको पानी के अंदर डाला तो अपने पास क्या मिलेगा, अपने पास मिलेगा CONS3 5 BrSO4 पे चार्ज क्या होता है, SO4 डबल नेगेटिव होता है, ये डबल नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव, एक तो ये मिलेगा, एक ये आए, और दूसरा मिलेगा अपने को SO4 डबल नेगेटिव, क्या मिलेगा, SO4 डबल नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर तो ये होगा, सेकंड वाले के अंदर, इसके अंदर देखो, इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, CONS3 5 SO4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो अब देखो, ध्यान से देखना, ये तो क्या दे रहा है, SO4 डबल नेगेटिव आयन दे रहा है, ये क्या दे रहा है, Br नेगेटिव आयन दे रहा है, मतलब आयन क्या हो गए, भिन्न भिन्न अलग अलग हो गए ना, क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, आयन क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए। इसको अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन या फिर आयनन समावयता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन या फिर आयनन समावयता बोलेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये SO4 ये Br नेगेटिव देगा, इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखना ध्यान से, पहले वाले के अंदर SO4 वाले के अंदर इसमें क्या डालते हैं, BaCl2, क्या डालते हैं, BaCl2 डालते हैं, ठीक है, बेरियम क्लोराइड डालते हैं। जैसे इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डाला तो अपने को पता है Ba2 पॉजिटिव, तो ये किसके साथ ऐड होगा, नेगेटिव के साथ, मतलब क्या निकलेगा इसके साथ, SO4, क्या निकलेगा, SO4, तो क्या होगा देखना, बनेगा क्या, CONS3 5 Br प्लस अपने को मिलेगा BaSO4 की व्हाइट PPT मिलेगी अपने को, व्हाइट सफ़ेद अवक्षेप मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से पता चल जाएगा अपने को ये क्या दे रहा है, SO4 डबल नेगेटिव देगा, ओके। सेकंड वाले की बात करें अपन, इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसकी रिएक्शन इधर देखो, CONS3 5 SO4 यहाँ पे ये ऐसे Br, इसके अंदर डालते हैं अपन AgNO3,
Az(NO3) सिल्वर नाइट्रेट, क्या डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये किसको? AgBr को, ठीक है। तो बनेगा क्या अपने पास? CONS3 5 SO4 प्लस, किसका? AgBr। CONS3 5 SO4 Br की रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ? AgNO3 के साथ। किसके साथ? AgNO3 के साथ करवाते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, देखना ध्यान से। CONS3 5 SO4 प्लस AgCl, Br, ये वाला, यहाँ से Ag और ये Br, AgBr। इसका क्या बनेगा? पेल येलो कलर की PPT मिलेगी अपने को, ठीक है। तो अपन बता सकते हैं इसमें AgBr का अवक्षेप और इसमें SO4 का, ओके। तो ये क्या हो गया? आयनाइजेशन आइसोमर, ओके। नेक्स्ट है अपने पास सेकेंड, अपने पास हाइड्रेट। सेकेंड कौन सा है? हाइड्रेट। आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसके अंदर देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, मतलब अणुसूत्र की अगर बात करें अपन, किसकी बात करें? अणुसूत्र की बात करें, वो तो क्या रहेगा? समान। लेकिन अलग अलग क्या हो गए? H2O जो अणु है, मॉलिक्यूल है, वो क्या हो गए? अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ H2O क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। अब इसका एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से अपने को समझ में आ जाएगा क्या है इसके अंदर। एग्जांपल है अपने पास CrH2O6Cl3, ठीक है। CrH2O6Cl3, एक तो ये है, सेकंड है CrH2O5Cl, और ये क्या है? Cl2.H2O, क्या है? .H2O, ठीक है, हो गया। इसके अंदर क्या देखना ध्यान से, यहां पे H2O नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं इसके? H2O के मॉलिक्यूल बात करें अपन, H2O अणु बात करें, वो कितने हैं? 6। यहाँ पे कितने हैं? 5, ठीक है। तो अगर तीसरा बनाए इसका, वो कैसे बनेगा? Cr H2O 4 Cl 2, यहाँ पे Cl.2 H2O। अब देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, क्या है? अलग अलग है। H2O के मॉलिक्यूल क्या है? अलग अलग है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इसके अंदर ये किस फॉर्म में है? लिगेंड। किस फॉर्म में? लिगेंड फॉर्म में, लिगेंड है। और ये क्या है? वाटर, क्रिस्टल वाटर, क्रिस्टल के रूप में। किस रूप में है? क्रिस्टल के रूप में। ये होती है हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट समावयवता, ओके। नेक्स्ट है अपने पास लिंकेज आइसोमर, क्या है? लिंकेज आइसोमर कौन सी है? लिंकेज आइसोमर, देखना ध्यान से। थर्ड, आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या है? पहले
पहली बात तो ये जो आइसोमर है या फिर आइसोमेरिज्म है वो क्या है, एम्बिडेंटेड, लिगेंड के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। मतलब ये उभय तंतु के लिगेंड ही लिंकेज समवायता दर्शाते हैं। कौन से उभय तंतु के लिगेंड ही क्या दर्शाते हैं, लिंकेज समवायता दर्शाते हैं। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। देखो उभय तंतु के लिगेंड देखना ध्यान से, जिसमें क्या हो, डोनर साइट एक से ज्यादा हो, दाता परमाणु एक से ज्यादा हो, लेकिन एक समय के अंदर केवल एक ही काम आए। एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल लेते हैं CONS3 5 NO2 CL2। एक ये है, सेकंड ये है अपने पास CONS3 5 ONO CL2। ये भी अपने पास दो। अब इसके अंदर देखना, अपने को पता है कि जो NO2 है, क्या है, जो NO2 है क्या है, ये नाइट्रेटो, ये क्या है, एम्बिडेंटल लिगेंड है, उभय तंतु लिगेंड है। क्यों, इसके अंदर एक तो ये ऐसे बताया था जब एग्जाम्पल करवाया था तब, दाता परमाणु कौन है, एक तो नाइट्रोजन है, दूसरे टाइम कौन सा हो सकता है, दूसरे ऐसे बन सकते हैं इसकी ओ एन ऐसे, इसमें दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है, डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो इसके लिए ये कैसे हैं, लिंकेज आइसोमेर, क्या है, लिंकेज आइसोमर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसका अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, नाइ टीटू, इसके लिए एन और इसके लिए नाइ टीटू ओ, जो डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, कौन है, ऑक्सीजन है भी, ठीक है। बस आपको इसके अंदर यही ध्यान रखना है कि उभय तंतु लिगेंड के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, एम्बिडेंटल लिगेंड होगा, उसी के द्वारा ही कौन सी लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास, थर्ड हो गया, फोर्थ है अपने पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन समवायता। उपसहसंयोजन समवायता के अंदर क्या होगा, देखना ध्यान से, लिगेंड का इंटरचेंज होगा, क्या लिखोगे, इंटरचेंज, क्या है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, क्या लिखोगे, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल देखना ध्यान से, समझ जाओगे एग्जाम्पल के अंदर क्या है, CONS3 6 सेकेंड है अपने पास CO CN6। अब इसका क्या बनाएं, ये अपने को पता है NS3 लिगेंड है और CN यहाँ पे लिगेंड है, NS3 लिगेंड है और CN यहाँ पे क्या लिगेंड है, इनका क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, आपस में चेंज कर दें, तो कैसे, इसका बनाएं CO NS3 जगह क्या आ जाएगा, CN, क्या जाएगा, CN, CO CN। यहाँ पे ऐसे मानो कोबाल्ट ना लेके आप ले लो क्रोमियम, क्या ले लो, क्रोमियम ले लो, फिर सही रहेगा। इसकी जगह CR NS3। अब ये देखो,
यहाँ पे सीओ के साथ एन एस थ्री था, अब कौन है? सी एन एन, ठीक है, सी एन एन। उसके बाद सी आर के साथ कौन है? सी एन एन। यहाँ पे सी आर के साथ कौन है? एन एस थ्री। इसका मतलब क्या हो गया? इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, लिगेंड का क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया, लिगेंड मतलब चेंज हो गई, ठीक है। इसकी जगह ये आ गया, ओके, और इसकी जगह एन एस थ्री आ गया। ये क्या होगी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। एनसीईआरटी के अंदर अपने चार ही है, दो और है, और बता देता हूँ, देख लो ध्यान से, ठीक है, काम आएगी। यहाँ तक ये एनसीईआरटी के अंदर अपने सिलेबस के अंदर, लेकिन दो और होती है, और देख लो। फिफ्थ नंबर अपन बात करें वो है लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्या है? लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड संभाव्यता। देखना इसमें क्या होगा, लिगेंड की जो पोजीशन है वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। लिगेंड की पोजीशन क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या लिखना है इसके अंदर? अणुसूत्र सेम, लेकिन जो लिगेंड है उसकी जो स्थिति है वो क्या होगी? अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। कैसे? जैसे अपन बात करते हैं ये, ठीक है, इसके अंदर देखो, यहां पे अगर क्या जुड़ा हो? सीएल ग्रुप जुड़ा हो, ये बेंजीन रिंग ले रहे हैं ना, ये यहां पे, और ये सीएल ग्रुप यहां पे जुड़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें सीएल ग्रुप यहां पे जुड़ा हो, सीएल ग्रुप यहां पे जुड़ा हो, ओके। तो अब क्या करना है? इसमें पोजीशन देखो, ये कौन सी है? देखना, ऑर्थो। कौन सी है? ऑर्थो क्लोरो। ये क्या होगा? लिगेंड सीएल है तो ऑर्थो। ये कहां पे है? मेटा पे, मेटा क्लोरो। ये क्या है? पैरा क्लोरो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्लोरीन क्या है? ये 1-2 पोजीशन 2 पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 1-2-3, ये यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे 1-2-3-4, ये यहाँ पे क्लोरीन 4 पे, ठीक है। ये पोजीशन क्या होगी? अलग अलग। तो इनको क्या बोलेंगे? लिगेंड आइसोमर। क्या बोलेंगे? लिगेंड आइसोमर। लास्ट अपने पास संरचनात्मक संभाव्यता के अंदर लास्ट है अपने पास सिक्स, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। क्या है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर सिक्स। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या है? देखना ध्यान से, जिसके अंदर मतलब इन कंपाउंडों के द्वारा प्रदर्शित होगी, जिनके अंदर क्या होंगे? ब्रिज बॉन्ड। कौन से? सेतुबंध होंगे। क्या होंगे? सेतुबंध होंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो ध्यान से, एग्जांपल देखें किनके द्वारा प्रदर्शित होगी, जिनमें क्या हो? ब्रिज बॉन्ड हो। एग्जांपल देखो, एग्जांपल के अंदर क्या है? एनएसरी 4 CO, एनएसरी 4 CO, NS2 NO2, यहां पे CO, एनएसरी 2 और CL2, ये वाला है।
ठीक है। अब देखो ये क्या है, ब्रिज बॉन्ड है, सेतु बंध है। क्या है? सेतु बंध। आईपीसी के अंदर क्या करना, देखो पहले इसका आईपीसी देखो, ब्रिज बॉन्ड तो ये हो गया, इनके द्वारा ये समावयता प्रदर्शित होगी। इसका दूसरा बनाएंगे तो कैसा बनेगा, आईपीसी देखो पहले इनको क्या करना है, अपने को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, मतलब तीन पार्ट, एक दो तीन, ये ब्रिज बॉन्ड वाला इस साइड डी, ओके। देखना क्या करना है, पहले नाम इसका लिखोगे आईपीसी के अंदर, ये मेटल ये लिगेंड, तो ये क्या है, टेट्रा एमिमिन कोबाल्ट। फिर इनका ब्रिज बॉन्ड वाले का, इनमें क्या चलेगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। और इनके नाम से पहले क्या यूज करोगे देख लेना, इनका नाम लिखोगे तो म्यू यूज करोगे पहले, पहले इन दोनों में से जो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आएगा उसका नाम लिखोगे, ठीक है। फिर इनका लिखने, दोनों का लिखने के बाद जैसे पहले ये NH2 वाला लिखोगे, जैसे आ रहा हो, ठीक है, ओके, जैसे ही आ रहा हो, या फिर ये वाला आ रहा हो तो इसको पहले लिखोगे, म्यू लिखोगे दोनों के अंदर। फिर इसमें Cl लिखोगे, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना। अब देखो इनके द्वारा इसको कोऑर्डिनेशन, पोजिशन, आइसोमेरिज्म कैसे बोलते हैं, पहला तो इसका ये हो गया। सेकंड के अंदर क्या करना है, इसका बनाना है तो क्या करोगे, इसमें यहां पे ऐसे करोगे, दो सी एल एक सी एल इस साइड ले आओ, एन एस थ्री थ्री, एन एस थ्री यहां से सी एल लेके आए तो यहां पे एन एस थ्री एक इस साइड भेज दो, तो क्या होगा, सी ओ एन एस टू एन ओ टू सी ओ एन एस थ्री थ्री और यहाँ पे सी एल, ओके। ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म हो गए। क्या हो गए, कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म हो गए। अपन ने क्या कर लिया, संरचनात्मक को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अपन, स्टीरियो, क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ध्यान रख लेना। थैंक्स।